अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन सामीन नाज़रीन कारीन वगैरह वगैरह, मेरा नाम है मीम शाह। आजकल हम इंटरव्यू के लिए मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं। मीम का मतलब वही मीम बनाने वाले जो होते हैं वही है, और शाह का मतलब है जैसे शाह खर्च होता है कि काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है मैं मीम बनाने में बड़ी शाह हूँ, मैं बड़े मीम बना चुकी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुस्तकबिल करीब में मेरा इरादा है कि मैं बहुत सारे मीम बनाऊँ, इसलिए मैं अपने आप का नाम मीम शाह रख दिया है। तो आज हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, हमारे मेहमान जो हैं सामने बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने मेहमान से कुछ सवाल पूछें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अयान महमूद। अयान महमूद, आपकी एज क्या है? 13, I guess. Why you guess? You why you are not confirm about that? 14, I am. 14, okay. You are 14 years old. In which class do you study? 7. Oh. आप अपना स्कूल का नाम बताएं। अमेरिकन लाइफ स्टफ। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं? आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? हंस क्यों रहे हैं? आपके कौन से? मेरा फेवरेट जो था वो था बायोलॉजी था मेरा फेवरेट। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ब्रेक। ब्रेक? ब्रेक तो कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे लिए, वही है। नहीं नहीं सब्जेक्ट बताए ना यार। मैथ। मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर भी आप हंस रहे थे। मैथ इतना अच्छा सब्जेक्ट है जिसको आप बड़े प्राउड से बता सकते हैं कि आपका फेवरेट है। उसके अलावा आपका कोई फेवरेट नहीं है? नहीं, मैथ भी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे स्पेलिंग ज़्यादा ठीक नहीं है, मैथ में नहीं करना पड़ती। अच्छा, और आपके टीचर कौन से आपके फेवरेट हैं? टीचर मुझे नाम तो सिखा रही हो। ओह माय गॉड, कितने साल हो गए आपको स्कूल में जाते हुए? एक साल हो गया। और किस टीचर का नाम नहीं आता आपको? किसी भी नहीं। या मैं बता तो दिया टीचर से। यू कैन लाफ, यू आर आवर बैकग्राउंड ऑडियंस। ओके, और कुछ बताएं अपने जो है वो आपके क्या हैं, हॉबीज क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज, सुना है आप कोई यूट्यूब चैनल भी रखते हैं? उसमें उसका नाम और है, उसमें चलता कुछ और है। हमने नाम कुछ और, हमने पहले तो उसमें सोचा था हम रूबिक्स की वीडियो डालेंगे, तो हमने उसका नाम रूबिक्स मास्टर रख दिया। अब हम वो बनाते हैं, वो मतलब माइनक्राफ्ट। अच्छा, माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाते हैं, गेमिंग वीडियो बनाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, इसका हम नाम आपसे वही रखा हुआ है। उसके लिए हमने मोबाइल रूबिक्स वीडियो बनाने के लिए मोबाइल भी सुधार इतना महंगा ले लिया था, अब वो काम ही आता। बैकग्राउंड ऑडियंस जो है वो हमारी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने की कोशिश कर रही है। आप लोगों को हमने हंसने रखा हुआ यार, आप लोग हंसा करें ताकि हमारी रेटिंग बढ़े। अच्छा जी, यहाँ और अपने बारे में जानना चाहते हैं आप, बताएं। आपने कहा हमारे आपकी जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं माइनक्राफ्ट की बनाते हैं, पहले आप जो है वो रूबिक्स क्यूब बनाते हैं, आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हैं? 3x3 ऑलमोस्ट, मैं मुझे आती थी पूरी सॉल्व करने में भूल गई। 3x3 आप कर सकते हैं अगर आप कुछ ट्राई करें, ये कह रहे हैं ठीक है। और 4x4 जो है वो आप एक साइड या दो साइड कर सकते हैं, या कोई उसमें पैटर्न बना सकते हैं कुछ? 4x4 ना 2x2 से कनेक्ट होती है, तो मुझे वो अच्छे से भी नहीं करनी थी। 5x5 मुझे काफ़ी हद तक, 5x5 आपको काफ़ी हद तक करती है ठीक है। और माइनक्राफ्ट में आप क्या करते हैं, मतलब उसमें जो वीडियो बनाते हैं एडिटिंग करते हैं, तो वो कौन सी आप ऐप यूज़ करते हैं? कौन सी? मैंने ऐप का नाम लिख दिया मैंने एडिटिंग करने के लिए। आपको ऐप का नाम नहीं लगा? ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं किसी टीचर का नाम बताया, मुझे मुश्किल से किसी का नाम याद आता। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तब इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मीम शाह।